दिस इज निधि एंड यू आर वॉचिंग स्टार्ट लर्निंग। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट टेंस में पहले भी हमने तीन टाइप के टेंसेस पढ़ लिए हैं, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका यूज हम हमारे बातचीत में अक्सर करते रहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला कंफ्यूजन तो आप लोगों के मन में होगा कि परफेक्ट कंटिन्यूअस, हमने पहले भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बात की है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात की है, जहाँ पे परफेक्ट में परफेक्शन की बात हो रही थी एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कंटिन्यूटी की बात हो रही थी। पर यहाँ पे परफेक्शन भी है, कंटिन्यूटी भी है, बहुत कन्फ्यूजन है। तो चलिए आपके इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सबसे पहली चीज आपको जो याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पे हम ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं, ऐसे काम के बारे में बात करते हैं जो शुरू तो हुआ किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बट अभी खत्म नहीं हुआ है, वो काम अभी भी कंटिन्यूटी में है, चल रहा है। जैसे हम अक्सर बातचीत में कहते हैं ना, देखो वो 2 घंटे से सो रहा है, मैं इस घर में 2016 से रह रही हूं, वो देखो शिवम 3 घंटे से खेल रहा है। इस तरह की बात अक्सर हम अपने बातचीत में करते रहते हैं और इसका जब ट्रांसलेशन हम इंग्लिश में करते हैं उसको ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, जिसमें कोई काम शुरू हुआ किसी वक्त लेकिन अभी वो खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो एक तो आपको समझ में आ गया कि किसी भी काम की शुरुआत हुई है बट खत्म नहीं हुआ है, वो काम अभी भी चल रहा है। अब बात करते हैं हिंदी से ट्रांसलेशन के। तो जैसे हम पहले भी बताते आए हैं कि हिंदी के सेंटेंसेस के एंड में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिससे हम पता करते हैं कि इसका ट्रांसलेशन किस टेंस में होगा, यहाँ पे भी किसी भी हिंदी के वाक्य के एंड में अगर रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो टाइप के वर्ड्स आते हैं तो इसका ट्रांसलेशन हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करेंगे। लेकिन इतना ही काफी नहीं है, बस रहा है, रही है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी हमने पढ़ा था, याद है ना, कि अगर हिंदी के वाक्य के एंड में अगर रहा है, रही है, रहे हैं आता है तो उसका ट्रांसलेशन हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करते हैं। लेकिन कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है? यहाँ पे टाइम के साथ, मींस हर सेंटेंस में यहाँ टाइम और टाइम के साथ से लगा होता है। जैसे मैंने अभी भी एग्जांपल जो दिया था कि शिवम 3 घंटे से खेल रहा है, 3 घंटे एक टाइम हो गया, से खेल रहा है, 3 घंटे से खेल रहा है, मैं यहाँ 2016 से रह रही हूँ, 2016 मैंने एक समय की बात की और मैं यहाँ 2016 से रह रही हूँ। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ हिंदी के सेंटेंसेस में रहा है, रही है, रहे हैं तो रहेगा बट टाइम एंड टाइम के साथ से लगा होगा। अब अगला पॉइंट है, यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब हैज एंड हैव का यूज करते हैं और हैज हैव के साथ बिन का यूज करते हैं, मीन्स हैज बिन एंड हैव बिन। तो अब देख लेते हैं कि हैव बिन और हैज बिन का यूज कहाँ होता है। तो अगर सब्जेक्ट ही शी इट और सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ हम हैज का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे और प्लूरल्स है तो वहां पे हम हैव बिन का यूज करेंगे। अगला पॉइंट है कि यहाँ पे आप वर्ब के साथ आई एन जी का यूज करते हैं, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कर रहे थे, वर्ब के साथ जो मेन वर्ब है उसके साथ हम आई एन जी का यूज कर रहे थे, आई एन जी उसके साथ एड हो जा रहा था, जैसे वर्क वर्किंग हो जा रहा था, प्ले प्लेइंग हो जा रहा था, वैसे ही सेम यहाँ पे मेन वर्ब के साथ आप आई एन जी का यूज करेंगे। तो इतना तो समझ में आ गया कि यहाँ हैव बिन हैज बिन देन मेन वर्ब के साथ आई एन जी का यूज होगा। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक नई चीज आती है, यहाँ पे हम सिंस एंड फॉर का यूज करते हैं, लेकिन फॉर का यूज करते हैं हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बताने के लिए और सिंस का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए। अब ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जैसे मैंने अभी कुछ एग्जांपल्स दिए थे कि वो 3 घंटे से सो रहा है, 3 घंटे से सो रहा है, देखा आपने यहाँ पे मैंने ड्यूरेशन बता दिया कि 3 घंटे से सो रहा है ना। तो जहाँ पे हम ड्यूरेशन बता देते हैं
कि मैं यहाँ 4 साल से रह रही हूँ, वो 2 घंटे से खेल रहा है, तो जहाँ हम ड्यूरेशन बता देते हैं वहाँ पे हम फॉर का यूज करते हैं। जहाँ ड्यूरेशन नहीं बताते, मीन्स जो पॉइंट ऑफ टाइम, मीन्स कोई भी काम किस वक्त शुरू हुआ, वो टाइम तो हम बताते हैं लेकिन उस काम को करते हुए कितना समय हो गया ये हम नहीं बताते। जैसे मैंने शुरुआत में ही एग्जाम्पल दिया था कि मैं इस घर में 2016 से रह रही हूँ, 2016 मतलब अभी हो रहा है 2020, तो कितना टाइम हुआ, 2017, 2018, 2019, 2020, 4 साल हो गए मुझे इस घर पे रहते हुए। मीन्स यहाँ पे हमको कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ी, हमको सेंटेंस से नहीं पता चला कि कितना ड्यूरेशन हो चुका है। मैं कब से रह रही हूँ ये तो पता चला, लेकिन कितने टाइम से रह रही हूँ ये हमको कैलकुलेट करना पड़ा। तो जहाँ पे हमको कैलकुलेट करना पड़ता है टाइम, जो कि सेंटेंस में हमको नहीं बताया जाता कि ड्यूरेशन कितना हुआ है, तो वहाँ पे सिंस का यूज़ करते हैं। चलिए आगे मैं और भी एग्जांपल्स दूंगी जिससे आपको सिंस एंड फॉर का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया सिंस एंड फॉर का यूज, अगर वैसे उन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपको बहुत इजीली ये पता चल जाएगा कि किस सेंटेंस में सिंस और किस सेंटेंस में फॉर का यूज होने वाला है। जैसे आप पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस का यूज करते हैं, जैसे सिंस 2016, सिंस मंडे, सिंस लास्ट नाइट, सिंस येस्टरडे, तो इस तरह जहाँ पे टाइम ड्यूरेशन ना हो, जहाँ पे ड्यूरेशन का पता नहीं चल रहा है सेंटेंस में, वहाँ पे सिंस का यूज़ करते हैं। फॉर का यूज़ करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर 3 ईयर्स, फॉर 4 ईयर्स, फॉर 10 डेज, फॉर 15 डेज, फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ऐसे में हम फॉर का यूज़ करते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा समय से, इसमें पता चल रहा है ड्यूरेशन की बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। अगर आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे फॉर अ लॉन्ग टाइम है, कैलकुलेट करके नहीं पता चल रहा, लेकिन यहाँ पे बता दिया है कि लॉन्ग टाइम, तो यहाँ पे भी फॉर का ही यूज़ होगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे सेंटेंस का जब ट्रांसलेशन हिंदी से करेंगे तो है हूँ के जगह हम इज आर एम का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने देखा था कि हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का यूज होता है, बट यहाँ पे इज आर एम का यूज नहीं होगा। और अगर हिंदी से ट्रांसलेट कर रहे हैं तो जो वर्ड से आ रहा है टाइम के साथ, कि मैं इतने घंटे से ये काम कर रहा हूँ, वो कल सुबह से पढ़ रही है, तो जो से का ट्रांसलेशन है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस या फॉर से होगा। अब कब सिंस लगता है, कब फॉर लगता है, वो मैंने बताया है और आगे भी सेंटेंस में इसकी बात करेंगे। तो ये तो कुछ पॉइंट्स मैंने बताए इस टॉपिक को और इजीली आपको समझाने के लिए, लेकिन अब बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की और उसके स्ट्रक्चर की। मीन्स जब कोई सेंटेंस ऐसा हो जिसमें नॉट का यूज नहीं हुआ है, जो पॉजिटिव सेंटेंस है, उसको अफर्मेटिव सेंटेंस, जो कि आप टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के वीडियो में जाके देख सकते हैं और सेंटेंसेस को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे भी पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे और उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो अब बात आती है कि सेंटेंस फ्रेम कैसे करेंगे। तो चलिए अब सेंटेंस कैसे बनता है वो जान लेते हैं, और सबसे पहले बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन और हैव बीन, जैसा जो भी सब्जेक्ट हो उसके अकॉर्डिंग हैज बीन और हैव बीन लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर जो भी है टाइम के अकॉर्डिंग लगाएंगे, प्लस टाइम लास्ट में सबसे आता है। टाइम जो भी, जिस भी टाइम की बात हुई है सेंटेंस में, वो सबसे लास्ट में आता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वो 2 घंटे से खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। देखा, यहाँ पे 2 घंटा मींस ड्यूरेशन की बात हुई थी, यहाँ पे हमको पता है कि 2 घंटे से खेल रहा है, तो यहाँ पे फॉर का यूज हुआ। वो 2 बजे से खेल रहा है, 2 बजे से खेल रहा है, तो मींस जिस समय ये सेंटेंस बोला गया है उस वक्त क्या समय हो रहा है और 2 बजे से उस वक्त तक कितना समय हुआ वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। मींस यहाँ पे ड्यूरेशन नहीं पता चल रही है इस सेंटेंस में, तो यहाँ क्या लगेगा, सिंस लगेगा। तो He has been playing since 2 o'clock. हमने यहाँ पे 2 o'clock बोला, इसलिए बोला क्योंकि यहाँ सेंटेंस में बोला गया है कि वो 2 बजे से खेल रहा है। यहाँ 2 बजे शाम से या 2 बजे सुबह से कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। अगर 2 बजे दोपहर से खेल रहा है अगर होता तो 2 p.m. लगता। He has been playing since 2 p.m.
मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। बहुत देर से बारिश हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसी तरह से मैं इस घर में 2016 से रह रही हूँ। आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2016। और अगर यही मैं कहती कि मैं इस घर में 4 साल से रह रही हूँ, तो मैं कहती आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 4 years। तो ये थे कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स। चलिए अब बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। सो नेगेटिव सेंटेंस में पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा, बस हैव बीन और हैज बीन के बीच में सिर्फ नॉट आ जाएगा। मीन्स ही हैज नॉट बीन डूइंग दिस, मीन्स बस हैज बीन और हैव बीन के बीच में नॉट आ जाएगा, पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। वो 2 बजे से नहीं खेल रहा है। ही हैजंट बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। यहाँ पे हैजंट का यूज किया है, मीन्स हैज नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है हैजंट। मैं इस घर में 2016 से नहीं रह रही हूँ। आई हैवंट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2016। और अगर इसी को मैं कहती कि मैं इस घर में 4 साल से नहीं रह रही हूँ, तो मैं बोलती आई हैवंट बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 4 years। रिया 3 दिन से किताब नहीं पढ़ रही है। Riya hasn't been reading the book for 3 days. मैं सुबह से सफाई नहीं कर रही हूँ। I haven't been cleaning since morning. तो ये थे कुछ negative sentences के examples. चलिए अब interrogative sentences के बारे में उनका structure and examples देख लेते हैं। Interrogative में 2 type के questions होते हैं जो हम सवाल पूछते हैं, एक yes no और दूसरा information questions होते हैं। Yes no वाले questions के लिए structure होगा has have प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, सिंस और फॉर जो भी टाइम के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे, एंड देन लास्ट में आएगा टाइम, एंड उसके बाद क्या लगेगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है लिखते टाइम। बोलते वक्त इसका यूज नहीं होता, बट जब हम लिख रहे होते हैं तो वहाँ इसका यूज जरूर करना चाहिए। तो एक कंपैरिजन के तौर पे हम यहाँ पे पहले वाले सेंटेंसेस ही लेते हैं ताकि आप कंपेयर कर पाएं। जैसा कि सेंटेंस में हमने पहले बताया था वो 2 घंटे से खेल रहा है, तो उसी सेंटेंस को हम लेते हैं ताकि आप कंपैरिजन कर पाएं। क्या वो 2 घंटे से खेल रहा है? हैज ही बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स? अगर कोई मुझसे पूछता है क्या तुम 4 साल से इस घर में रह रही हो, हैव यू बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 4 years? क्या तुम 2016 से इस घर में रह रही हो, Have you been living in this house since 2016? तो ये कुछ ऐसे examples थे जिन interrogative sentences में जवाब हमको yes no में मिलता है। चलिए information वाले questions का भी structure और उसका example देख लेते हैं। Information वाले question में as it is सारा structure जैसा कि yes no वाले question में था सब same रहेगा, बस starting में WH family आ जाएगी, means WH family के जो words होते हैं what, where, when, how, ये सारे आपके पहले आ जाएंगे। जैसे अगर कोई मुझसे पूछे तुम 4 साल से कहाँ रह रही हो, Where have you been living for 4 years? बच्चे 2 घंटे से कहाँ खेल रहे हैं, Where the children have been playing for 2 hours? तो ये कुछ examples थे interrogative sentences में भी information वाले questions के। ऐसे और भी examples मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगी, बट एक separate video में। फिलहाल आप इन सारे स्ट्रक्चर्स को और उनके एग्जाम्पल्स को ध्यान से समझने की कोशिश करिए, और जो कंपैरेटिव एनालिसिस मींस मैंने इसको कंपेयर कर दिया है, जो भी सेंटेंस मैंने अफर्मेटिव के लिए लिया था वो सेंटेंसेस मैंने नेगेटिव में भी यूज़ करके दिखाया है, एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में भी उसका यूज़ मैंने दिखाया है, जिससे आप आसानी से कंपेयर कर सकें। और अगर अभी भी कोई डाउट है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। और वैसे आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ भी मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल है nidhi_singh3004। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, और चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग। बाय बाय।